जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी आप जो ये मोटर देख रहे हैं, इसको हम वाइंडिंग कर रहे हैं और वाइंडिंग करते हुए वीडियो आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। दोस्तों ये कौन सी मोटर है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं और इसको किस तरह से वाइंडिंग कर रहे हैं और ये कौन सा मोटर है, कितना फेज में बनाया जा रहा है, सारा कुछ डिटेल जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो अब आइए हम चलिए आपको मोटर की तरफ लेकर चलता हूं। देख रहे हैं कि मेरे पास ये वायर का रिला है और इसमें डबल फेज वायर एक साथ लपेटा हुआ है और ये मोटर है। हमने इसमें ऑलरेडी एक सेट इसका रनिंग का इंस्टॉल कर चुके हैं और नेक्स्ट दूसरा सेट हम इसमें डालने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि इस तरह से फर्मे पे इस कॉइल को तैयार किया गया है। आपको इस तरह के फर्मे पे कॉइल तैयार करने के लिए 100% आता ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ये कौन सा मोटर है और इसको किस तरह से हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं और ये कितना HP का है, सारा कोई दोस्तों हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाएँगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बतला दे रहा हूँ, या जो आप मोटर देख रहे हैं आप इस तरह से भी देख लीजिए, तो ये 1/5/2 HP मोटर है, यानी कि 1.5/2 HP मोटर है और इसकी स्लॉट की जो संख्या है तो ये कुल 24 स्लॉट की मोटर है, जैसे स्लॉट इसको बोलते हैं तो इसका कुल 24 स्लॉट होते हैं और इसमें आपको 4 छोटे छोटे स्लॉट मिल जाएंगे, 2 नीचे की तरफ से और 2 ऊपर की तरफ से। तो अब आप जान चुके होंगे कि 24 स्लॉट में जो 4 छोटे छोटे खाने होते हैं तो किस मोटर में होते हैं। तो जब तक हम इसका वाइंडिंग डाटा आप लोगों को बतलाएंगे तो आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके इस मोटर का नाम बता दीजिए कि ये कौन सा मोटर है। अब देखिए हम इसको जो वाइंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक भाई ने मुझे बोला था कि सर आप वाइंडिंग करते हुए हमको वीडियो बना करके दिखलाइए, तो जैसे कि हमने इसमें एक लच्छी हम इसमें डाल चुके हैं। एक सेट में आपको रनिंग के लिए 4 लच्छी बनाना पड़ता है और दूसरे सेट के लिए भी आपको 4 लच्छी तैयार करना होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक लच्छी जो हमने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए देखिए, जैसे ही हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो अपने मतलब दाएँ तरफ बाएँ तरफ आपको इस छोर को रखना है, जो छोटी वाली सबसे छोटी वाली कॉइल है उसका एक छोर को आपको अपने बाएं तरफ रखना है और दाएं तरफ इससे जो अटैच कॉइल होता है इसका छोर निकल जाता है। तो अब देखिए जैसे हम इसमें कॉइल को इंस्टॉल करेंगे तो ये जो होता है ये भाग आपको इधर से इसमें आना चाहिए। तो चलिए वो भी मैं दिखलाता हूँ कि कैसे आना चाहिए। तो आप लोग वीडियो में पूरी तरह से देखिए, जैसे इस तरह से हमने इसमें कॉइल उठाए हुए हैं, अब इसको हम सीधे इस तरह से डालते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए मैं डाल करके आपको दिखा कि इस तरह से आपको इसके अंदर कॉइल को डालना होता है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा डाल करके समझाता हूँ, आप समझिए, देखिए मेरी बात को आप ध्यान से समझा कीजिए। वैसे आप लोग तो मैं कोई फेर ज़्यादा नहीं बताता हूँ, मैं जितना गेज डालता हूँ जितना टर्न्स डालता हूँ सारा कुछ सिस्टम आपको हम बतलाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग मेरी बात को सही से समझ रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर इसका वाइंडिंग कर सकते हैं। अब देखिए पहले हम ये पत्ती इसके अंदर डालते हैं, तो इस तरह से आप इस तरह से आपको पत्ती को फोल्ड करना है। ये 10 नंबर का PVC पेपर होता है, इसमें नीचे भी 10 नंबर का लगाया जाता है और इसका जो लॉक होता है वो भी 10 नंबर का लगाया जाता है। तो आप इस तरह से इसको अपने हिसाब से अच्छी तरह से लगा लीजिए और पूर्ण रूप से लगाने के बाद फिर मैं बतलाता हूँ कि क्या करना है। तो चलिए हम इसको पहले लगा लेते हैं। तो देखिए हम इसमें इस लॉक को फंसा चुके हैं, अब देखिए इसको मैं उठाया और देखिए ये वाला जो सिरा निकला है तो ये वाला सिरा घूम करके इधर से उस तरफ गया है, यानी कि दाएँ से घूम करके बाएँ में आना चाहिए और दाएँ तरफ लास्ट वाले जो लच्छी होगा उसका निकल जाता है। तो देखिए आप फिर इसको इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है।
तो अगर आप मोटर वाइंडिंग करते हैं तो आपको इंस्टॉल करने के लिए तो आता ही होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। अब देखिए ये फिट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको नीचे और ऊपर दोनों का वायर डालना है और हर वक्त इधर से आपका एक छोर निकल जाएगा और लास्ट में भी ये निकल जाएगा। तो अभी आप देखें कि इस तरह से आपको वायर डालना है और क्रमबद्ध इसी चक्र के हिसाब से चलते जाना है और हर वक्त आपका बाएं से दाएं एक लास्ट वाली लूप निकलता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। और देखिए बीच में हमने चार खाने छोड़ करके बनाए हैं, दो छोटे वाले और एक तरफ इसका बड़ा वाला और एक तरफ बड़ा वाला। तो इस तरह से आप लोग क्रमबद्ध करके चलते जाइए। अब मैं सारा डिटेल आपको समझाता हूं, तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए इस मोटर का ऊपर वाला जो भाग होता है वो आपका 7.5 इंच होता है और यहाँ से यहाँ 6 इंच से थोड़ा कम होता है। तो अभी आपने इसका सारा डायमीटर देखें। तो अब मैं आपको पूरा वायर डाल करके फिर जा करके रनिंग और स्टार्टिंग का डाटा इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देखिए वीडियो को दोस्तों पूरी देखा कीजिए। इस तरह का फरमा आप लोग भी रखिए वायर बनाने के लिए। देखिए आज देखिए यहाँ पे जो होता है ना, ये दोनों कॉइल इसके ऊपर जो स्टार्टिंग का लच्छी होता है वह चढ़ता है, इसलिए ये दोनों में कम वायर ही रहता है। तो इसको जब आप स्टार्टिंग का लच्छी चढ़ाने लगेगा तो दबा दीजिएगा इन दोनों को, रनिंग का ये दोनों वायर को, आपको कॉइल को आपको अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबाना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप मोटर थोड़ा मोड़ा भी बनाना जानते हैं तो ही आप लोग मोटर बनाते हैं ना, तो इसलिए पूरी प्रोसेस अगर बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये रखना है कि इधर से मेरा जो भी वायर होता है तो मतलब दाएं से हर वक्त बाएं की ओर लपेटा चलता है। तो ये दोनों वायर है, अब इसको हम दोनों लच्छी है इसको हम डाल करके आपको दिखा देंगे। देखिए दोस्तों होता क्या है कि वीडियो में थोड़ी मोड़ी त्रुटियां होती है बोलने के दौरान, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोला जाता है, तो इसके लिए आप लोग नाराज मत होइएगा। देखिए हम लोग पूरे देहाती एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसको कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों आज तक हम जो भी मोटर का डाटा देते हैं तो 100% सटीक डाटा देते हैं। देखिए इसमें डबल वायर आपको एक साथ चलाना ही पड़ेगा 21 नंबर, तो इसमें डाटा मैं सारा शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिए बेहिचक करके बनाइए, ये कौन सा मोटर है इसका भी आपको अंदाज़ा आगे चल के लग ही जाएगा, मैं नाम भी बता दूंगा। देखिए होता क्या है कि YouTube पे बार बार एक ही चीज़ का वीडियो चढ़ाना मुश्किल हो जाता है और नहीं चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ ट्रैक बदल करके हम लोग चढ़ाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, अगर ना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। वैसे दोस्तों एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा कि सर, कमेंट करके बोला कि सर मैंने वरुणा मोटर आपके डाटा से तैयार किया हूँ, मोटर बहुत ही बेहद अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी बनाइए, देखिए हम लोग कोई फेक जानकारी आपको नहीं शेयर करते हैं और ना ही आज तक शेयर किया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि अनाप शनाप अगर कोई वीडियो बना के डाल देता है जिसका डाटा भी सही नहीं होता है, तो उस पर आप लोग जम करके लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और बार बार रिपीट करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा भी आप एक बार डाटा इस्तेमाल कीजिए, आपकी मर्ज़ी, चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सही बंदा है जो सही जानकारी देगा उसका तो चैनल सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। आप लोग बदले में हमें क्या दे सकते हैं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट। तो चलिए दोस्तों पूरी प्रोसेस करके मैं दिखाता हूं। तो देखिए आप लोग विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि हम देहात में काफ़ी मोटर बनाते हैं, आप देखे होंगे कि दिन रात मेरा मोटर का वर्क चलता है। और पानी वाले 2 HP मोटर में तो देखिए 2 HP का जो भी मोटर है उसमें आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत मोटर बनाते हैं और सटीक डाटा, कंपनी वाइंडिंग डाटा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अभी तक आपने इस मोटर में किस तरह से वायर वगैरह डाला जाता है सब कुछ जान चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का वाइंडिंग डाटा बता देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इस मोटर में जो हम सिंगल फेज का इसको मोटर बनाने जा रहे हैं, तो सिंगल फेज में हम आपको रनिंग और स्टार्टिंग का भी डाटा बतलाएंगे, साथ में इसमें कितना MMT का कैपेसिटर लगता है सारा कुछ जानकारी देंगे। तो देखिए रनिंग में आपको डबल 21 नंबर एक साथ लेके चलना है,
और इसमें जो आपको टर्न्स देना है तो यहाँ पे समझिए, रनिंग का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 14, 21, 26, 27, तो 14, 21, 26, 27 आपको रनिंग में देना है, 24, 21, 26 और 27 आपको रनिंग में देना है। सेम दोनों तरफ रनिंग में आपको यही डाटा यूज करना है। अब मैं आपको स्टार्टिंग का वायर गेज प्लस डाटा बता रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको सिंगल 20 नंबर चलाना है और शुरू सबसे छोटा लच्छी जैसे ये हो गया, ये जो हम डाले हुए हैं, तो इसमें कितना देना है तो ये भी जान लीजिए। इसमें आपको 14, उसके बाद 26, उसके बाद 38, 38, 14, 26, 38, 38 आपको स्टार्टिंग में रखना है। और वायर गेज जो आपका चलेगा वो 20 नंबर वायर गेज रहेगा स्टार्टिंग के लिए। और रनिंग में आपको हमने बतलाए हैं 14, 21, 26, 27 आपको रनिंग में देना है। और वायर गेज जो रहेगा 21 नंबर डबल वायर चलेगा कॉपर का। तो इस मोटर की जो स्टंपिंग की लंबाई है वो 4 इंच की है, सारा कुछ हमने आपको बतला चुके हैं। और इसमें जो कैपेसिटर यूज होगा वो आपका 50 MFD का कैपेसिटर यूज होगा। और ये सिंगल फेज मोटर बन रहा है, आपको इसको सिंगल फेज पे ही चलाना है, डबल फेज पे आपको इसको यूज नहीं करना है। तो अब आप लोग बार बार किर्लोस्कर मोटर का सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा मत पूछिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको पूरी डाटा बतला चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप लोगों को तमाम जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिंगल फेज का मोटर है, इसको हम वाइंडिंग करके वार्निश करके सूखने को छोड़ दिए हैं। ये डबल फेज में बना हुआ है, इसको भी वार्निश करके सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। अब सुबह में इसको फिर इस टाइप का जो पंप होता है इसमें कस के फिर इसको चलाएंगे। तो अभी देख रहे हैं कि जो मोटर रेडी है वह वरुणा का मोटर है, उसमें आधा वायर डाला हुआ है, उसको भी कल क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और लाइक तो करना ही मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट मोटर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।